सबसे पहले चैलेंज तो था जब फिल्म शुरू करी हम लोगों ने, बट जो आज हम लोग पहुंचे ट्रेलर लॉन्च पे, तो एक्साइटेड हूँ मैं। फिल्म हमारी 8 तारीख को आ रही है, ट्रेलर लॉन्च फाइनली हो रहा है इसका, मैं एक्साइटेड बहुत हूँ। और थैंक्स अभिनव सर का, इन्होंने जो उनकी मेहनत है, मतलब जो हम सबकी टीम की मेहनत है, वो आज मतलब ऐसा रंग लेके आई है आज, तो ट्रेलर लॉन्च हम लोग पहुँच गए, फाइनली हमारी फिल्म रिलीज होगी। अब आपसे जानना चाहूंगा कि आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है असिस्ट करने का, लेकिन आपने शॉर्ट फिल्म बनाई जो कि बहुत क्लासी रही है, क्या कहना चाहेंगे कि जो आपका बैकग्राउंड रहा है वो काफी डिफरेंट रहा है, किस तरह से आपका संघर्ष रहा और जो कामयाबी मिली उसके बारे में बताइए अभी तक का। हाँ, सबसे पहले बोलना चाहूंगा मैंने अब तक किसी को असिस्ट नहीं किया है, और मैंने अब तक 25 शॉर्ट फिल्म्स में मैं शॉर्ट फिल्म के जरिए ही सीखता गया, और ये थैंक्स टू पिस्विंग प्रोडक्शन, जहाँ पे उनको कहानी सब्जेक्ट पसंद आई और फिर ये फिल्म रिलीज हुई, और आज हम ये मुकान पे जो ट्रेलर लॉन्च भी हो रही है। और आई वुड लाइक टू थैंक्स टू माई प्रोड्यूसर नरेंद्र पटेल एंड जयस पटेल एंड इंटायर कास्ट एंड क्रू, जिन्होंने सारे लोग ने मेहनत की और हम यहाँ तक आए इसको लेकर फिल्म को। फिल्म का सब्जेक्ट जो है क्या दर्शाने की कोशिश की है, क्या ये दिखाने की कोशिश की है कि अगर लड़की शादी करती है तो जो एक ब्लॉकेज होता है शादी को लेकर कि एक लिमिटेशन में रहना पड़ता है, उस लिमिटेशन को क्रॉस कर सकती है, एक फ्री लाइफ जी सकती है, ये सब्जेक्ट है या फिर कुछ और सब्जेक्ट? सर सब्जेक्ट तो नहीं खोलूंगा, इट्स अ प्रोटोकॉल, बट द सब्जेक्ट इज दैट शादी सर चीजें अच्छी है, शादी आप करो तो अच्छी चीज है, पर उसको निभाना किस तरह से आप निभाते हो, इस फिल्म में मैंने वो दिखाया है। जो इंटायर मतलब शादी मैंने एक होती ना सर इंडिया में, शादी करते तो लाइक दहेज चाहिए या अच्छी लड़कियां चाहिए, अच्छे लड़के चाहिए, पर यहाँ पे ये सब्जेक्ट नहीं है, इस सब्जेक्ट पे काफी फिल्म आ गई है। मैंने ये सब्जेक्ट दिखाया था जो शादी होती है और किस तरह से भी शादी, इस तरह की भी शादी, लोग 90s की शादी शायद भूल गए, तो मैंने 90s की शादी वापस लाना चाहिए। शादी जो होती है दो बंधन का मिलन होता है, और किस तरह से उसको आप पूरा करना, और सोसाइटी में किस तरह से इन्वॉल्व भी होती है और नहीं भी इन्वॉल्व होती है, तो बेसिकली एक सोसाइटी को बताना चाहता हूँ एक शादी ऐसी भी हो सकती है जो मैं दिखाने जा रहा हूँ। फिल्म की जो लीड है प्रतिका, उनका टीवी बैकग्राउंड काफी है, काफी सुंदर जी, तो ये बताइए कि कितना बेनिफिशियल रहा, क्योंकि जहाँ पे पहचाना चाह रहा है पहले से ही है जी, इसके अंदर बताइए क्या कहना चाहिए। प्रतिका चौहान बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और काफी सारे सेल भी कर चुकी है, सर सारे एक्टर ने अच्छे काम किए, सारे एक्टर ने अच्छे काम, और क्या होता है सर फिल्में दो जगह बनती है, एक तो डायरेक्टर टेबल में बनती है और एक पोस्ट के टेबल में, एडिटर टेबल में बनती है। ये फिल्म हमारे क्रू मेंबर ने बनाया, टेक्निकल टेबल पे ज्यादा बनी है फिल्म, यहाँ पे प्रोड्यूसर मैं सारे टेक्निकल टीम इन्वॉल्व रहे थे, एक्टर अपना काम करके चले गए, बाकी हम पोस्ट में सारे चीज प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी हम होते हैं एडिटर ये सारे मिलके ने बोला नहीं इस फिल्म को इस तरह से किया जाए, तो बेसिकली बताऊंगा ये टीम वर्क है, पूरी टीम ने बनाई इस फिल्म को। सर जयेश पटेल जी ने जो बैकअप किया इस फिल्म को, क्या कहना चाहेंगे, उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन मानते हैं और कैसे धन्यवाद देना चाहेंगे? सर जयेश सर लाइक अभी क्या बताओ सर, एक उन्होंने एक वो प्रोडक्शन स्पॉटबॉय का भी काम नहीं है जो नहीं किया, सारे वर्क किए थे, अब तक वो पीछे खड़े हैं, और थैंक्स टू जयेश पटेल एंड नरेंद्र पटेल जिनकी वजह से फिल्म इस मुकाम पे लेके आया मैं, और लाइक आई ऑलवेज जब भी मैं याद करूंगा तो मेरी पहली फिल्म कब आई, तो आई ऑलवेज लाइक नरेंद्र पटेल सर जयेश पटेल को हमेशा मैं थैंकफुल बोलूंगा एवरी एंड ईच टाइम सर, सो लाइक दैट। और बिहार का भी बैकग्राउंड बहुत दिखाया गया है इस फिल्म में, क्या कनेक्शन है, उससे कनेक्शन क्या है बताइए। सर बिहार का ही बैकग्राउंड नहीं दिखाया मैंने, मेट्रो सिटीज का बैकग्राउंड दिखाया मैंने, जो शादी किस तरह के मतलब कितने सिटीज में शादी किस किस तरह से होती है, बेसिकली मैंने नॉर्थ को टारगेट बनाया, इट्स नॉट स्पेशली फॉर बिहार, टारगेट मेरे नॉर्थ थे, जहाँ पे शादी ऐसी भी होती है जो टाउन में ऐसी शादी नहीं होती, यहाँ पे शादी एक दिन में खत्म जाती है, आप जाओगे नॉर्थ में शादियों का माहौल एक महीने से चालू होता है, गुजरात में जाओगे एक महीने से शादियों का माहौल, वही माहौल मैंने इस फिल्म के जरिए दिखाया जो लोग अब भूल चुके हैं, शादी भी एक कमर्शियल चीज हो गई है, तो वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे लेके आया। शादी के बारे में थोड़ा सा रोशनी डालिए ना सर, किस प्रकार की शादी है सर? ये शादी सर बहुत ही यूनिक है सर, शादी का लड्डू खाए वो पछताए ना खाए वो पछताए, तो स्पेशली मैंने वो लड्डू दिखाया है, शादी जो गोल है वो बेसन का लड्डू है कि रवा का सर, रवा का लड्डू ओके सर। शादी के बारे में सर ये शादी देख एक बुक पढ़ी थी मैंने नमक स्वादा अनुसार, वहाँ से मैं इंस्पायर हुआ था इस शादी के बारे में, तो एक शादी जो होती है सर, अब मैं इतना चीज़ तो नहीं बता सकता, टेलर में आप टेलर देखो तो पता ही चल जाएगी, तो यहाँ पे शादी मैंने दिखा है, एक शादी जो होती है घर के अनुसार भी होती है, घर के मतलब एक बोलते हैं ना बियॉन्ड द घर जा मतलब परमिशन मतलब आप शादी कर लो, तो मैंने ये चीज़ दोनों दिखाया, जो आप परमिशन करते हो तो किस तरह से शादी होता है, परमिशन नहीं लेते किस तरह से शादी होती है। शादियों की बात करें तो ये कई
देश के अलग अलग स्टेट के अलग अलग रेगुलेशन होते हैं, अलग अलग उनके तौर तरीके होते हैं शादी का, ये किस स्टेट को आधारित है? और नॉर्थ और गुजरात, नॉर्थ गुजरात। चलिए हो गया, वेलकम सर। मैंने सब मतलब कुछ भी मेहनत नहीं किया, सबसे ज्यादा मेहनत अभिनव ने किया है मैक्सिमम। नहीं नहीं सर, विदाउट एक बैकअप होता है, सपोर्ट रहता है, मैंने किया तब जाके मैंने मेहनत किया है। ओके हरि जी, कैसे जहन में आया कि हां इस पर भी फिल्म बनानी चाहिए, शॉर्ट फिल्म बनानी चाहिए? शॉर्ट फिल्म नहीं है सर, मतलब इनका कहना है शॉर्ट फिल्म से कैसे जेन में आई जो बड़ी फिल्म बन गई सर, इनका ये कहना है सर। ऐसा ना कि छोटा बनाते बनाते बड़ा हो गया। अच्छा, हमने पहले एक साथ में शॉर्ट फिल्म की थी, पहले शॉर्ट फिल्म किया था, छोटा बन जाता है। नहीं ऐसी बात नहीं है, पूरा वो पूरा फोकस अलग रहता है यार। क्या क्या रिएक्शन था जब आपको पहले ये स्टोरी कहानी बताई गई, कैसे आपको प्रभावित किया या आपको लगा कि हां इस पर फिल्म बनानी चाहिए? इनको तो मैंने पहले फिल्म दिखा दी थी, मैंने दिखा दिया था, फिल्म ही दिखा दी थी सर, तो इन्होंने खुद बोला नहीं इस फिल्म को इस लेवल पे लेके जाना है, तो फिर डबल मेहनत हो गया। जहाँ पे एक लोग थे वहाँ पे दो हो गए, दो से चार हो गए, चार से भी सौ हो गए, आप लोग सब आए। एक शॉर्ट में बताता था, जो मेन जो अपना जो मैसेज है वो यही कि शादी, जैसे शादी के अंदर कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अपना मेन मैसेज मैसेज है। जल्दबाजी में क्या रिजल्ट आएगा? अब टेढ़ी लड्डू ना खाइए, इतमान से खाइए। हाँ, ये इतमान से खाइए और सोच समझ के खाइए। थैंक यू सो मच सर। पहले ये फिल्म में मैंने एक फिल्म में मैंने 100 फिल्म का एक्सपीरियंस लिया बनाने में, हर एक डिपार्टमेंट को मैंने सीखा है। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक्स लाइक मिस्टर नरेंद्र पटेल एंड जयेश पटेल एंड स्पेशली द टेक्निकल टीम, प्रदीप सूरी सर, कृष्णा गुप्ता, सुदेश मिश्रा जी, जिन्होंने मुझे बताया पिक्चर का प्रोसेस क्या होता है। और सबसे पहले एक्सपीरियंस जो था मैम, ये फिल्म में शादी में काफ़ी सारे फिल्म देख चला कि दमला के है ऐसा सारी चीज़ें, पर मुझे बनाना था जो सुहागरात पे लोग क्यों नहीं फिल्म बनाते, वहाँ से शादी को क्यों नहीं कनेक्ट करते, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जा रहा है यार एक अजनबी के साथ बात मत करो, घुमाओ मत ये। और फिर अब सही है सर, हाँ तो फिर मैंने यही सोचा यार अब जब शादी करवाते हो तभी नहीं सोचते कि अजनबी से शादी हो जाती है और किस तरह फर्स्ट नाइट में क्या कन्वर्सेशन होगा। तो वहीं पे मैंने देखा उस पे भी लड़की जब पढ़ी लिखी निकलती है और लड़के को कुछ अक्ल नहीं है, सिर्फ पैसे हैं उसके पास, तो वही कनेक्टिविटी जो हमारे नॉर्थ वाले अगर आए हैं स्पेशली पेरेंट्स, तो ये नहीं जो हमेशा वही राइट्स होते हैं शादी कराने में। सो बेसिकली ये कंप्लीटली अरेंज मैरिज पर बेस्ड? एग्जैक्टली मैम, अरेंज मैरिज बाद में, फिर ये लव मैरिज भी हो जाता है, काफी सारे ट्विस्ट मिलेंगे ऑडियंस को और आई एम लाइक 100% श्योर ये कुछ नया कंटेंट है लाइक अबाउट मूवी एंड शादी के बारे में। सर नरेंद्र सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ प्रोड्यूसर से दोनों से कि क्यों आपने इस सब्जेक्ट को चुना टू प्रोड्यूस और क्यों बैकअप किया? सब्जेक्ट में जो मेन अपना जो टॉपिक था कि शादी जैसे मामले में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, तो समथिंग डिफरेंट मुझे लगा। सर माइक में बोलिए ना सर, आवाज नहीं आ रही है सर। सब्जेक्ट मुझे बताया अभी इन्होंने, ऐसा सब्जेक्ट है जो मेन उनका मैसेज था कि शादी से माहौल में उनको कभी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ डिफरेंट लगा। ओके बहुत दूर है नरेंद्र जी, आवाज नहीं आ रही, पूरा जोश निकल गया क्या, पैसा निकल गया लॉन्च हो रहा है, आएगा पैसा आएगा, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, दम लगा के बोलिए सर, माइक को थोड़ा इतना नजदीक आना पड़ता है। हां माइक ऐसे सामने रखे बोलिए, माइक मैं दोबारा बोलूं? चलो ठीक है। जब अभी उन्होंने मुझे बताया फिल्म के बारे में तो मैंने लाइक मैसेज ही देखा कि शादी जैसे माहौल में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, तो मुझे ये टॉपिक सबसे अच्छा लगा, समथिंग डिफरेंट। ओके थैंक यू मैम, प्लीज योर एक्सपीरियंस। शगनों की राह जब मेरे पास आई, मतलब ये गाना लेकर के मुझे अभिनव ने जब कॉन्टेक्ट किया तो मुझे बहुत, पहले मैंने सोचा कि क्या गाना है, फिर मैं स्टूडियो आई, जब मैंने सुना तो एक बहुत सुदिंग सा सॉन्ग है जो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, फिल्म का कॉन्सेप्ट इसने बताया, फिर मैं सबसे मिली तो फिर मैंने ये किया, करने का डिसाइड किया और हमने ये किया। सो योर एक्सपीरियंस एंड समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर। हेलो, सबसे पहले मैं आई वुड लाइक टू थैंक्स माय प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, एंटायर कास्ट, सिंगर, म्यूजिशियंस एंड आलोक जी, प्रदीप, आरव, नौशाद भाई। तो इस फिल्म को बनाने में हम सब ने बहुत मेहनत की है,
जब से स्क्रिप्ट हम लोग लिखी, फिर शूट पे हम लोग गए, फिर रिलीजिंग के लिए, डबिंग के लिए बहुत हम लोगों ने मेहनत करी है. तो उसके लिए मैं जो हमारी एंटायर कास्ट है और जो क्रू है, मैं उन सबका थैंक यू कहना चाहता हूँ. और जो मेरे कैरेक्टर की बात है, ये कैरेक्टर जब अभिनव सर हम लोग मिले एक साल पहले, तो उन्होंने बताया कि एक स्क्रिप्ट है मेरे पास जिसमें आई थिंक नाम उसका नमक स्वाद अनुसार, हाँ, तो उन्होंने बताया कि इस कैरेक्टर के बारे में एक हस्बैंड वाइफ की कहानी है, ऐसा है वैसा है. तो फिर सर ने पूरा मुझे एक नरेशन दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने कहा ठीक है सर, एक बार ये आप मुझे चांस दे के देखिए, कि मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी है. सर ने कहा ठीक है, तुम ट्राई करते रहो, मैं बताता हूँ तुम्हें. फिर फाइनली एक डेढ़ महीने बाद सर ने फिर फाइनली कर ही दिया कि चलो तुम ही करो ये कैरेक्टर. और जिस फिल्म में मेरा कैरेक्टर है वो ये है कि ईगोस्टिक आदमी है ये, इसका पैसा बहुत है, अकल नहीं है, बट ईगो बहुत है इसके अंदर. तो बाकी जब आप लोग फिल्म देखेंगे 8 मार्च को, तो आपको लगेगा कि जो ट्विस्ट है इसकी लाइफ के अंदर, क्या आए हैं, क्या इसने खोया है, क्या पाया है, क्या सीखा है इसने, तो ये सब चीजें हैं. और फिल्म करके बहुत मजा आया मुझे. थैंक यू. थैंक यू. या प्लीज. हेलो हेलो एवरीवन, मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ नरेंद्र सर को, जय सर को और अभिनव सर को और पूरी कास्ट को, सौरभ प्रताप एंड आराम मावी एंड आलोक सर, प्रसाद भाई, है ना. और जब स्टोरी मेरे पास आई थी, तो जो कैरेक्टर है काफ़ी फनी है इसमें, नाम है पूना जो कैरेक्टर का नाम है, और बहुत फनी कैरेक्टर है इसमें. जब स्टोरी मुझे सुनाई थी तो काफ़ी अच्छा लगा था, स्टोरी सुन के लग रहा था कि हो जाऊंगा फिट. तो सर ने कास्ट किया और बहुत अच्छा लगा सबके साथ काम करके, सब लोगों ने सपोर्ट किया, है ना. और आरव मावी मेरे बड़े भाई बने हैं, सौरभ प्रताप भी मेरे बड़े भाई बने, तो काफ़ी सपोर्ट था सब लोगों का कास्ट का, अच्छा लगा काम करके सबके साथ. थैंक यू सो मच. हेलो, मैं ठाकुर जी का शुक्रिया कहना चाहूँगा, उन्होंने मौका दिया मुझे इस फिल्म में काम करने का. और शुरुआत में तो मैं सौरभ प्रताप जी को जानता था, उनके साथ पहले भी काफ़ी काम किया हुआ है. तो जब वो इस प्रोजेक्ट से जुड़े तो सौरभ ने मुझे बताया, फिर मेरे डायरेक्टर साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने एक छोटा सा एक ऑडिशन टाइप हुआ, मैं सिलेक्ट हो गया. फिर हम लोग शूट के लिए गुजरात गए थे, जो कि वहाँ का एक्सपीरियंस मेरा तो बहुत ही शानदार रहा, एकदम पिकनिक का माहौल था, कभी लगा ही नहीं कि काम कर रहे हैं, और सब बहुत अच्छा रहा. अब देखिए, अब 8 मार्च को फिल्म रिलीज हो रही है, आखिरकार इस मुकाम तक पहुँच गए, तो आप बताएंगे फिल्म देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है. मैं बहुत खुश हूँ इस फिल्म से. थैंक यू सर. थैंक यू मैं जयेश पटेल जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक सरप्राइज स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो प्लीज सर, प्लीज हैव द माइक शेयर विद एवरीवन. ओके, सो द सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू, पिसिंग प्रोडक्शन अनाउंसिंग न्यू प्रोजेक्ट विल बी स्टार्ट वेरी सून दिस मंथ ओनली. Okay, and the movie will be released November 2019 with Street Dancer. Okay, so I would like to invite you the first look of that posters, that Whoa. film. Okay, so please have a seat. Please. Prad movie ke baare mein baat kare, right? Okay. सर, कॉन्सेप्ट इंस्पिरेशन ये था, जब मैंने बुक पढ़ी थी, बुक मुझे अच्छी लगी थी. और बताना चाहूँगा, इस पर एक बार साउथ में भी फिल्म बन चुकी है, फिल्म का नाम था उफ प्रोफेसर, जो 80% ही बुक से इंस्पायर था. फिर जाके मैं बुक के ऑथर निखिल शचान सर से मिला, उनसे सारे अथॉरिटी लिए, फिर मैंने इसके इस स्टोरी को मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा. बाद में इंस्पिरेशन ये था सर, शादी के मतलब एक रूल मुझे पता नहीं थी, और सर जो आप सोसाइटी को एक शादी का इतिहास दिखाते हो, उनके नज़र से भी शादी नहीं होती है, एक अलग नज़र से भी शादी हो सकती है, वही नज़र मैंने अलग दिखाया. वो मैं 8 मार्च को देखने के बाद पता, मेरे दिखाने का क्या तरीका था शादी सर. प्रतीका का जो आपने चुनाव किया है, जी, वैसे जी. काफी जस्टिस किया रोल पे, लेकिन क्या वजह थी कि उनका चुनाव किया इस फिल्म के लिए लीड में? प्रतीका सर वो फिट बेटी देविका के रोल में जो मुझे चाहिए था, एक लड़की जो नॉर्थ का भी कैरेक्टर करे, गुजराती का भी कैरेक्टर करे, और एक पंजाबी लड़की का भी कैरेक्टर करे, तो वो सारे कैरेक्टर में फिट थे, और शी इज वेरी ब्रिलियंट एक्ट्रेस सर. और सर आपसे जानना चाहूंगा, आपकी डेब्यू फिल्म है, एक्टिंग आपने काफी अच्छी की, क्या कहना चाहेंगे, कितना ज्यादा क्रेडिट जाता है अभिनव सर को इस बात के लिए? थैंक्स. या अभिनव सर का जो क्रेडिट है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस कम से कम फिल्म शुरू होने से पहले हम लोग शायद
20 दिन साथ में बैठे थे स्क्रिप्ट के ऊपर, कि कैरेक्टर के ऊपर हम लोगों ने काम करा बहुत. फिर जब हम शूट पर गए वहाँ भी हमारा हम लोग 3 दिन पहले पहुँच गए थे शूट से, शेड्यूल से 3 दिन पहले हम लोग पहुँच गए थे और हम लोगों ने फिर रिहर्स किया सारी चीज़ सीन टू सीन हम लोग गए. तो इनके साथ रह के मतलब इन्होंने जितना बताया समझाया कुछ अपना इनपुट डालकर तो कैरेक्टर ऐसे हम लोगों ने बिल्ड करा और बहुत काम करके मज़ा आया. और जो एक्ट्रेस हैं प्रतिका चौहान, अनफॉर्चुनेटली वो अभी यहाँ पर नहीं, किसी काम में बिजी हैं वो, तो उनका काम भी बहुत बढ़िया है इस फिल्म के अंदर. अब देखेंगे आपको पता लगेगा. अभिनय साहब आज ही अनाउंस किया आपने जो अपना ये जो फिल्म है ये क्या सब्जेक्ट है और कितने एक्साइटेड हैं सर? जैसे नरेंद्र सर को जैसे सब लोग बोलते हैं मैं लव स्टोरी आज तक कभी नहीं बनाया, मैं ऑलवेज लाइक सोसाइटी सिस्टम इससे, तो सर चाहते थे मैं उनके लिए एक लव स्टोरी बनाऊँ. और इसके राइटर यश गौर सर और मैं लक्की मानता हूँ उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ. उन्होंने अभी बहुत अच्छी नेटफ्लिक्स के लिए एक सीरीज लिखी थी तो उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाया था मुझे, जहाँ पे मैं और नरेंद्र सर जैसे तीनों मिले थे उनसे. और ये टेंटेटिव नेम है कर्फ्यू, हम चेंज करेंगे इनका नाम, ठीक है. तो मुझे अच्छी लगी जो एक लव स्टोरी ऐसी भी होनी चाहिए. और ये पूरी जो बेस्ट मूवी है सर एक सोल्जर लव स्टोरी पे है, तो बेसिकली मुझे करना था और सर चाहते थे मैं ही करूँ, तो पर हमने बोला चलो करते हैं सर. तो बेसिकली और आखिर में पूछना चाहूंगा जैसा कि आपके बारे में मालूम है कि आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है असिस्ट करने का, तो क्या कहना चाहेंगे आज के दौर में जो डिजिटल मीडियम इतना स्ट्रांग हो गया है? हाँ सर, कि शॉर्ट फिल्म्स बना के आप शोकेस कर सकते हैं अपने टैलेंट को, तो वो बताइए जो निर्देशक बनना चाहते हैं फ्यूचर में उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे कि किस तरह से अपने करियर को आगे बढ़ा सकें? सर अभी तो उतनी तो मैं ज्ञान नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं कैसे बोलना, लेकिन सर मुझे पता था जो मैं एक दिन इस लेवल पे आऊंगा. और असिस्ट करने का रीजन भी था सर क्योंकि आपको कोई असिस्ट करने दे तो करोगे ना सर. ट्राई सर ने ट्राई किया पर करना ही नहीं चाहते थे वो लोग, देना ही नहीं चाहते थे. और काफ़ी लोग चाहते थे सर जो, तो फिर सर अच्छा घर बैठने से अच्छा मैं खुद का कुछ करूँ. आई थैंक्स टू अभिलेख जो मेरे डे वन से हर एक फिल्म में मेरे साथ रहा और मैंने हम दोनों ने प्रॉमिस किया था साथ में एक फिल्म डेब्यू करेंगे, तो आई एम थैंक्स टू अभिलेख. और सर मैं यही बोलूँगा एक बिलीव होती है, मुझे बिलीव था मैं आऊँगा यहाँ तक आऊँगा और फिर यही था करना था सर बस, और कुछ नहीं था. और इंस्पिरेशन यही रहता है सर, ये जो बोलते हैं ना फिल्म बैकग्राउंड अब गया माहौल सर, अभी कोई भी कुछ भी कर सकता है. अभी एक नई रहा जमाना जो करण मतलब खान कपूर ही चलेंगे, हर कोई चल सकता है, इसे कंटेंट सिनेमा भी चलता है सर. तो आई बिलीव दैट. थैंक्स.